हिंदू पर कैसे आंच आ रही है? किसी से डरने की क्या जरूरत है, हम तो हैं, कोई डर थोड़ी रहा है। डर रहा होता तो इतना मुखर करके क्यों बोलता कोई, डर रहा होता तो इतना ताल ठोक कर ललकार कर कोई पूरे नेशनल मीडिया के सामने क्यों बोलता, कोई डर रहा होता तो सबका सामना क्यों करता, डर रहा होता तो आपसे डिबेट में बात क्यों, आपसे आपके प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर क्यों देता। ठीक है, तो अगर डर नहीं रहे थे हिंदू तो... डर नहीं रहा, हिंदू जग रहा। ठीक है, आपके ऊपर हिंदुओं को बहुत भरोसा है। अच्छा, आप कह रहे धन्यवाद। एक मिनट में धीरेन्द्र जी, आप कार्यक्रम मत छोड़िए, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मेरे मुश्किल से 2-3 सवाल और हैं। ठीक है, अब आप इतने मुश्किल से मिले हैं तो आप और आपका मेरा तो एक अलग रिश्ता भी नहीं, हम दोनों ही हमारे सामने बहुत कैमरा है, कार्यक्रम नहीं छोड़ रहे, आप सामने आ जाओ 2-3। तो मैं कह रही हूँ ना आपसे, बस मुझे एक बात बता दीजिए कि आप एक बात बता दीजिए, आपके अंदर लोगों की इतनी आस्था है, लोगों का इतना विश्वास है, लोग कह रहे हैं, मैं आप सोशल मीडिया जाएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं आपके भक्तों के, हमने भी वहां पर धाम में जाकर भी भक्तों से पूछा, वो कह रहे हैं बाबा जी क्यों नहीं आ जाते सामने, बाबा जी क्यों नहीं जाके उनका चैलेंज स्वीकार कर लेते, दिक्कत क्या है, हमें बाबा जी पे पूरा भरोसा है, बालाजी महाराज पे पूरा भरोसा है, सांच को आंच कैसे? हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, पहली बात तो उन्होंने कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा। अच्छा। ना कोई हमारे पास चिट्ठी भेजी, ना उन्होंने कोई अपना व्यक्ति भेजा। अब ये झूठी मुठकी बातें, कोई अपने घर के अंदर चूड़ी बजा करके नाचता रहे, नंगा नाचता रहे, हमें क्या लेना देना है, उनको दिक्कत है वो आ जाए। और रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में बैठ करके दुबक करके ललकार रहे, ये थर्ड प्लेस है, ना उनके बाप का ना हमारे बाप का, आ जाए कल भी दरबार लगना है ठठरी। लेकिन धीरेन्द्र जी वो कह रहे थे क्या वो किसी न्यूट्रल बैकग्राउंड पे भी आने के लिए तैयार है, कोई ऐसी जगह जहां पर ना नागपुर हो ना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या छतरपुर धाम हो, कोई ऐसी जगह जो दोनों के लिए वो बता दें, हम तो शिमला चलेंगे, हम तो दिल्ली हम चलेंगे, कह रहे हैं आप न्यूज़ नेशन आ जाइए, आपसे मुलाकात का भी मन है, आप न्यूज़ नेशन आ जाइए, न्यूज़ नेशन के मंच पर आ जाइए, किलोमीटर है ये झूठी बात, आप न्यूज नेशन आ जाइए, श्याम आनंद जी को भी बुला लेते हैं और हाथ कंगन को आरसी क्या मेहमान बनकर आइएगा, कुआं थोड़ी चल करके पैसे के पास जाएगा। अच्छा नहीं ऐसा कुआं, हाँ तो आप कह दीजिए कि आप जैसे यहाँ न्यूज़ नेशन उन्होंने कैमरा भेज दिया, सुरक्षा की गारंटी आपकी और उनकी है, प्यासा कुआं के पास आता है, आ जाओ दरबार खुला लगा, 4 लाख लोगों हम फिर महाराष्ट्र जाएंगे और वहाँ फिर ताल ठोक कर बुलाएंगे। यानी आप कह रहे हैं आप फिर से जाएंगे नागपुर, हमारे स्टूडियो क्यों जाएं, चलिए ठीक है हमारे स्टूडियो नहीं आए, हम आपके पास आएंगे करने के लिए, आप आएंगे दिल्ली फिर जाएंगे महाराष्ट्र जाएंगे। अच्छा धीरेन्द्र जी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई आप आओ क्योंकि प्यासा कुआं के पास आता है और हमारी श्रद्धा बोलेगी, हमारे गुरुजी बोलेंगे, हम आपकी न्यूज नेशन आएंगे और ताल ठोक करके आएंगे बहन जी, बिल्कुल इंतजार रहेगा। अरे हम सनातनी बब्बर शेर है, इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात और बताइए, आप लव जिहाद को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, भाई प्यार तो किसी को किसी से किसी भी वक्त हो सकता है, प्यार में धर्म जाति समुदाय के बंधन सबके लिए, हाँ लेकिन प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्रायोजित ढंग से प्यार के चक्कर में फंसाकर हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े करना क्या सही है, आप पक्षधर हो इसके, यानी आप हिंदू मुस्लिम की शादी के खिलाफ नहीं है, बस वो बताकर शादी करें, बताकर प्यार करें कि मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू मुस्लिम की शादी के खिलाफ नहीं है? हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं से भी मुसलमान की बहनें भी कर सकती हैं। आपने कहा था कि आपने जिस तरह से सवाल के जवाब में आपका जवाब मैं सुन रही थी, आपका इंटरव्यू था कि अगर कोई हम पे बंदूक उठाए तो उस पे बंदूक तान दो, मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। महात्मा गांधी के हम पूर्ण समर्थन में हैं, उनकी अहिंसा वाली बातें हमारे रंग रंग में भरी हुई हैं, लेकिन आत्मरक्षा करना भी तो उन्होंने ही सिखाया, अब जब मर जाएंगे तो फिर कौन आत्मरक्षा करना सिखाएगा, जब हम ही नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा तो कहाँ का कानून, कहाँ का संविधान, कहाँ की विचारधारा, सब शून्य हो जाएगी, तो आत्मरक्षा करना ही तो एक कानून है, आत्मरक्षा संविधान पड़ा जी बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरह से बुलडोजर की बात करते हैं, लॉजिकल है माय डियर सिस्टर, नहीं आत्मरक्षा इलॉजिकल नहीं है, लेकिन लोगों के घर पर बंदूक बुलडोजर वो भी आत्मरक्षा है। अच्छा एक बात और अंतिम हम बोल देंगे, हमारी प्यारी बहन आपकी जय हो, आपके साथ एक नाता है कि आप भी हनुमान भक्त हो, अंतिम बोल देते हैं कि आज हमको जिन जिन को दिखाना था पूरे भारत को हमने दिखा दिया कि भ्रम फैलाना बंद कीजिए, और हम फिर कहते हैं कल का दरबार लगना है उनको। अच्छा, खबर भेज दीजिएगा, नहीं तो आज एक के सवाल बस आखिरी इस प्रकार बस से ये मेरा वादा आखिरी ये बता दीजिए उस आदमी के बारे में, उसको हम भगोड़ा घोषित कर दें। ठीक है आप ये बताइए आप शादी कब कर रहे हैं,
आज सोशल मीडिया पे आप खूब ट्रेंड में छाए हुए हैं, सब पूछ रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कि आपने लिए बहन आप हमारी आज आप हमारी बारात में आना, हम बहुत जल्दी विवाह करेंगे। लेकिन वायरल बहुत हो रहा है कि आपको लेकर, एक साध्वी जी को लेकर खूब वायरल होती रहती हैं खबरें, खूब बातें होती रहती हैं कि फाइनल हो चुकी हैं बातें, क्या है क्या उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ्या और झूठ है, गलत मिथ्या और झूठ है। और जब भी करेंगे डंका बजा करके करेंगे। तो लड़की पसंद कर ली आपने? बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सामने आएगा, कुछ बातें सामने समझ में आए, कल दरबार लगना है, अगर हो सके तो आपको बहुत प्रश्नों के उत्तर कल दरबार में मिल जाएंगे। आ जाओ, आकर के बैठ करके देखो और फ्लाइट का टिकट आज रात को ही करवा लो, कल पनीर हम खवाएंगे बहन। चलिए धीरेन जी आप हमारे साथ, आपके पास वक्त की कमी है। कंगन को आरती क्या? चलिए कंगन को आरती क्या ये बताइए, कंगन को आरती क्या? एक और सवाल आया है, दूध और पानी का पानी हो जाए, आपका ये इंटरव्यू लाइव जा रहा है, इस इंटरव्यू में एक सवाल और आया है तो वो और पूछ लेती हूँ। एक माइंड रीडर है, वो कह रही है कि हम भी माइंड रीडिंग करके हजारों की भीड़ में से नंबर बता देते हैं, नोट पे क्या नंबर लिखा है, क्या सीरियल ऑर्डर है, ये सब बता देते हैं, तो आप उनसे अलग कैसे हुआ? हम नंबर नहीं बताते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ये हमारे ऊपर, ना तो हम मोबाइल नंबर बताते हैं, हम ना नंबर बताते हैं, ना ये कोई घोषणा करते हैं, ना हम कोई जादूगर हैं, ना हम कोई इन सब चक्करों में पड़ते हैं, और कृपा में और रीडिंग में। अच्छा रीडिंग ये होती है जब व्यक्ति सामने हो, आज हमने दरबार आपने देखा नहीं है, क्या है आपका आपका जो अनुभव है? नहीं देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है, हमने पूरा देखा है, आप पर्ची पर लिखकर बता रहे थे, लोगों के नाम बता रहे थे, किसी पत्रकार को, कि हमने पहले से ही पर्चा बनाकर रख दिया था, अब ये माइंड रीडिंग से बाहर विषय। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं अगर अगर मैं अपने साथ, ठीक है धीरेन्द्र जी, मैं एक आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मैं अपने साथ दो लोगों का लेकर आती हूँ जिनको पहले से नहीं बताती हूँ कौन वो लोग हैं, उनके बारे में आप अपने दरबार में सब कुछ बता देंगे? आपके पास वो दिव्य शक्ति है? देखो जो हमें आज्ञा लगेगी, जो उनका प्रश्न मनोभाव का होगा वो हम लिख देंगे, जो हमें गुरु कृपा होगी आपके कहने पर या आपके प्रमाण पत्र के लिए हम दरबार नहीं लगाएंगे, दरबार में लेकर आइए, राम नाम का उनसे जाप करवाइए, फिर अर्जी लगेगी। यानी मतलब आपका मन होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, ये है ना मामला? 8 बज गए हैं, श्योर शॉर्ट कुछ नहीं है, फोन पे है क्या? हमारा कोई मन नहीं होता है, शक्तियों का मन होता है। तो शक्तियों का मन, अगर हम लोग दिल्ली से आएंगे स्पेशली आपके पास, अगर दिल्ली से स्पेशली आपके पास आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि गुरु प्रेरणा नहीं हो, आप ना बता सके वहां पर कुछ, आपको कुछ समझना है। एक मिनट वहां फोन लगा दो उनको, ऐसा भी हो सकता है अगर हम आपके पास आए और आपको उस वक्त गुरु प्रेरणा ना मिले तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ना बता पाए, आपको कुछ नहीं समझ में आए, कोई जवाब ना हो आपके पास, ऐसा भी हो सकता है दरबार से हम खाली हाथ लौट जाएं? देखो हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, दरबार में आकर के आप बैठिए, सीताराम जप करिए, दरबार खाली हाथ कौन लौटता है, सीताराम नाम का जप दरबार में बैठने भर से सामूहिक अर्जी मात्र से ही कल्याण हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, महाराज जी आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। ये बताइए कि आपने तो आज खुला दरबार भी लगा दिया, लेकिन आपके चैलेंज देने वाले, बहुत धन्यवाद बहन जी, आपको चैलेंज देने वाले अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं ये दरबार जो है वो छतरपुर धाम में ही क्यों लगा रहे हैं, ये चमत्कार सिर्फ धाम तक ही क्यों? कभी कर नहीं सकते, ये रावण के खानदान के हैं, आज 4 लाख लोगों के बीच और 4 लाख लोगों के बीच और पूरे देश की मीडिया, नेशनल मीडिया आज वहां सामने थी। तुम आपने लाइव चलाया कि नहीं? लाइव चलाया होगा तो उसमें आज देखा होगा सनातन का झंडा गड़ गया, चुनौती देने वाले के मुंह पर तमाचा लग गया है, और आप हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जरूरत हो लिंक पर जाकर देख ले, अथवा कल फिर दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ में लगेगा उसको देख ले। ठीक है एक बात बताइए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लोगों को जरा ये समझाइए कि आपको जो ये कृपा प्राप्त है ये आखिर कैसे मिली है, ये कृपा कहाँ से आई है, किस तरह से आपको ये शक्ति मिली है, थोड़ा समझाइए ताकि लोगों को भरोसा हो सनातन की शक्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे, दादा गुरु जी के पूर्व में भी एक संत थे वो भी उन पर भी कृपा थी, 3री पीढ़ी में हम हैं और ये बचपन से ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा में हैं। सनातन में मंत्रों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है, भारत के इतिहास में पूरे नेशनल टीवी के सामने चैनल के सामने आज तक किसी भी पादरी या मौलवी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार आज रायपुर में बागेश्वर बालाजी ने झंडा गाड़ा है।